अच्छा जी दोस्तों, लास्ट हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? एंकर टैग लगाना सीख लिया था हमने, और लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट ये हमने देख लिया था, कि अगर एक ही वेबसाइट है उसके अंदर तीन या चार पेजेस हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। आपका कोड भी मैं ओपन कर लेता हूँ ज़रा, जो कोड हम लास्ट क्लास में लिख रहे थे। ठीक है जी, ये आपका कोड ओपन हो गया। तो हमने एक चार पेजेस वाली वेबसाइट भी यहाँ पे तैयार कर ली थी, ठीक है, और हमने नेविगेशन बार उसके अंदर बनाया था, और टोटल हमने चार पेजेस बनाए थे। और हमने ये देखा था कि नेविगेशन बार तमाम पेजेस में बिल्कुल सेम था, बिल्कुल एक जैसा था। सही है। अच्छा, नेविगेशन बार एक जैसा रखने का एक रीज़न ये भी होता है कि नेविगेशन बार मूव ना करे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ एक नए टैब में, तो मैं होम पे या गैलरी पे या कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेविगेशन बार हिल बिल्कुल भी नहीं रहा अपनी जगह से। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, कि आप नेविगेशन बार को जब मूव करें ना, या उसको जब चलाएं आप नेविगेशन बार को, तो नेविगेशन बार बिल्कुल भी मूव ना कर रहा हो, स्टिल हो बिल्कुल, वो फिक्स हो अपनी जगह पर। ठीक है, अगर वो क्या होता है, वो छोटा बड़ा होता है, एक क्लिक के ऊपर छोटा बड़ा होता है या क्लिक के ऊपर इधर उधर भागता है वो, तो दैट इज़ नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस ना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये उसी तरह होगा कि आपने स्टाइलिंग उसकी जो है, और आपने उसका जो साइज़ है, और आपने उसके जो जो क्वांटिटी है, जैसे अगर पांच बटन है आपके नेविगेशन बार में, तो फिर हर पेज के ऊपर जो नेविगेशन बार है उसमें पांच ही बटन होने चाहिए और बिल्कुल सेम स्टाइल होना चाहिए। अगर किसी में आपने मार्जिन थोड़ा सा 2-4 पिक्सल ज़्यादा दे दिया, किसी में मार्जिन 2-4 पिक्सल कम दे दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जब एक पेज से दूसरे पेज पर आप जाते हैं ना, तो वो नेविगेशन बार हल्का सा मूव करता हुआ, जर्क करता हुआ फील करेगा। अच्छा, तो ये हमने सीख लिया। अच्छा जी, सेम वेबसाइट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसके बाद हमारे पास डिस्कस किया जा रहा है। ऑन लार्ज वेबसाइट इट इज़ गुड आइडिया टू ऑर्गेनाइज योर कोड बाय प्लेसिंग द पेजेस ऑफ ईच डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट इनटू अ न्यू फोल्डर। कह रहे हैं कि यार, अच्छी बात ये है कि जब आप बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसमें चार पेजेस तो नहीं होते, उसके अंदर कहीं ज़्यादा, चार से भी कहीं ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ कर लें फोल्डर के अंदर। अभी तो हमने क्या किया है, अभी तो हमने चार पेजेस सीधे सीधे बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि हम अपने पेजेस को ऑर्गेनाइज़ करें। अच्छा, और कह रहे हैं कि यार, फोल्डर ऑन अ वेबसाइट आर सम टाइम रेफर्ड एज डायरेक्टरीज़। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वेबसाइट के अंदर अपने फोल्डर बनाते हैं ना, उसको सम टाइम डायरेक्टरीज़ भी कहते हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि जी, आप इसको अब किस तरह से डिवाइड करें, जो एक जैसे पेजेस हैं उसको आप एक वेबसाइट में डाल देते हैं, मतलब एक फ़ोल्डर में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे नीचे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है। यहाँ पे नीचे इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक वेबसाइट का जो है ना सैम्पल, आप कह लें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये वेबसाइट जो है कोई मूवी से रिलेटेड वेबसाइट है। अच्छा, अब आप सबसे पहले देखें, ये एग्जाम्पल आर्ट के नाम से एक फोल्डर है, दैट इज़ कॉल्ड रूट फोल्डर, जो सबसे पहला फोल्डर होता है आपकी वेबसाइट का। हमारे केस में जो हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी है, दैट इज़ अ रूट फोल्डर ऑफ आवर वेबसाइट ना, तो ये रूट हमारा आ गया। अच्छा, रूट फोल्डर के अंदर जो सबसे पहली फाइल है, दैट इज़ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये हमने देखा है कि यार, हर वेबसाइट के अंदर जो सबसे पहली फाइल हम ओपन करते हैं वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल उसका नाम होना ज़रूरी है, तो ये आ गया। अच्छा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बाद ना, इनकी वेबसाइट के अंदर टोटल तीन सेक्शन है, या तीन पेजेस हैं आप समझ लें। नंबर एक है मूवीज़, ठीक है, आप देखें ये इंडेक्स के लेवल के ऊपर ही ना ये खड़ा हुआ है फोल्डर ये। अच्छा, फिर मूवी के अंदर सिनेमा वगैरह भी इसको छोड़ देते हैं, ये मूवी। अच्छा, मूवी के बाद जो है वो म्यूज़िक है, अगर मैं इसी लेवल पे सीधा नीचे आऊँ तो म्यूज़िक है, और उसके बाद है थिएटर। तो इनकी वेबसाइट में ना टोटल तीन ये पेजेस हैं आप समझ लें। अच्छा, और हर पेज के अंदर जो है क्या है, मिसाल के तौर पर मूवीज़ के अंदर ना तीन सेक्शन है, सिनेमा और डीवीडी, ये दो सेक्शन है ये, और फिर सिनेमा के अंदर जो है ना तीन सेक्शन है, फिर इसके अंदर तीन सेक्शन है, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप समझ लें कि एक बड़ा पेज है मूवीज़ का, एक बड़ा सा पेज है एक मूवीज़ का, और उसके अंदर क्या है, ये उसके सब पोर्शंस हैं। जो इन्होंने यहाँ पे बात की है ना, कि यार आप क्या करेंगे कि बाई प्लेसिंग द पेजेस फॉर ईच डिफरेंट सेक्शन ऑफ द साइट इन अ न्यू फोल्डर,
तो कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का जो एक एक सेक्शन है उसके लिए आप एक एक फोल्डर बना लें। तो ये वो वाली बात इसने की है। अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है इन्होंने कि यार द डायग्राम ऑन द राइट, अच्छा वो एक्चुअली राइट इसलिए कि बुक में साइड बाई साइड पेजेस होते हैं, तो वो लेफ्ट और राइट इसलिए बात कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि राइट साइड पे जो पेज है उसके ऊपर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, फॉर अ फिक्शनल इंटरटेनमेंट लिस्टिंग वेबसाइट। फिक्शनल मतलब वो कह रहा है हमने ऐसी कोई रियल वेबसाइट नहीं है, ये फिक्शनल वेबसाइट है, ये कोई रियल इस तरह ऐसी सोच के बना दिया। तो वो कह रहा है कि इंटरटेनमेंट लिस्टिंग है, ठीक है। इंटरटेनमेंट लिस्टिंग मतलब जैसे नेटफ्लिक्स होता है इस तरह की कोई वेबसाइट है वो, ठीक है, कि इंटरटेनमेंट के जो 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 ड्रामे मूवीज़ गाने वगैरह हैं वो उसके अंदर लिस्ट हुए हैं, आप उसको क्लिक करके या शायद डाउनलोड करते हैं या शायद बाय करते हैं या शायद वहीं पे वॉच करते हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन है। और इस वेबसाइट का नाम इन्होंने एग्जाम्पल आर्ट रखा है। तो कह रहे हैं कि जी द टॉप फोल्डर इज़ नोन एज द रूट फोल्डर। सबसे पहला तो जो रूट फोल्डर होगा, पहला फोल्डर होगा, वो रूट कहलाता है। इन दिस एग्जाम्पल रूट फोल्डर इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल आर्ट। अब इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि मेरे रूट फोल्डर का जो नाम है वो क्या है, एग्जाम्पल आर्ट, ठीक है। अब हमारे केस में हमारे रूट फोल्डर का नाम क्या होता है, आमतौर पे जो हमारी गिटहब रिपॉजिटरी का नाम है वही हमारे रूट फोल्डर का नाम होता है। अच्छा जी, अब ये मज़ीद कुछ बात लिखी हुई है, ये आपने ज़रा इसको ख़ुद से स्टडी कर लेना है कि क्या चीज़ है। अच्छा, रिलेशनशिप क्या चीज़ है। रिलेशनशिप के बारे में कहते हैं कि जी फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ वेबसाइट इज़ डिस्क्राइब्ड यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी एज अ फैमिली ट्री, के जो आपस में इनका जो रिलेशनशिप है वो उसी तरह से है जिस तरह ह्यूमंस के अंदर एक फैमिली ट्री का रिलेशनशिप होता है कि जी एक बाप होता है, उसका बेटा होता है, उसका बेटा होता है, सही है, उस तरह वो ट्री होती है पूरी। अच्छा, कह रहे हैं कि जी इन दिस डायग्राम ऑन द राइट यू कैन सी सम रिलेशनशिप हैव बीन ड्रॉन। मिसाल के तौर पे द एग्जाम्पल आर्ट फोल्डर इज़ पेरेंट ऑफ मूवी म्यूज़िक एंड थिएटर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यार अगर आप एग्जाम्पल आर्ट को देखें ना तो ये है पेरेंट है, ये किसका पेरेंट है, इमेज का भी है, मूवीज़ का भी है और म्यूज़िक का भी है और थिएटर का भी है, ये चार इसके चिल्ड्रन है, इस एग्जाम्पल आर्ट के ये नीचे चार चिल्ड्रन है। अच्छा, और क्या बात की इसने, एंड मूवी म्यूज़िक एंड थिएटर फोल्डर आर चिल्ड्रन ऑफ एग्जाम्पल आर्ट। जाहिर है अगर एग्जाम्पल आर्ट पेरेंट है तो नीचे वाले सारे उसके चिल्ड्रन होंगे, तो ये चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप हमें पता लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने ये बात की कि जी होम पेज का जो नाम है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखा हुआ है हमने। वेब सर्वर यूजुअली सेटअप टू रिटर्न द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल इफ़ नो नेम इज़ स्पेसिफाइड। कह रहे हैं कि वेब सर्वर आमतौर पे क्या होता है, वेब सर्वर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन होती है वो ये होता है कि जब भी रिक्वेस्ट आए इंडेक्स वाला पेज उठा के वो दे देते हैं, ठीक है, इस वजह से हमने ये नाम रखा हुआ है। अच्छा, तो ये तो बात यहाँ तक समझ आ गई कि फोल्डर का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात की हुई है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या चीज़ होता है जी, कि रिलेटिव यूआरएल कैन बी यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू पेज विद इन योर ओन वेबसाइट, दे कैन प्रोवाइड ए शॉर्ट हैंड टेलिंग योर ब्राउजर वेयर टू फाइंड योर फाइल। अच्छा, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल इसको हम कहते हैं फुल यूआरएल, ठीक है, सी ड्राइव्स कॉलन और स्लैश स्लैश और फिर उसके बाद जो भी आपके फोल्डर्स हैं वो पूरा लगाते हुए आएगा। तो इस तरह का जो यूआरएल होता है, इस तरह का जो लिंक होता है उसको हम एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं, ठीक है। या अच्छा, ये फोल्डर का भी यूआरएल हो सकता है या कोई वेब यूआरएल भी हो सकता है। तो https:// और facebook.com और स्लैश प्रोफाइल और स्लैश प्रोफाइल आईडी, अब ये इस तरह की जो चीज़ होती है ना इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, कि कंप्लीट यूआरएल है। एक क्या होता है कि जी डॉट स्लैश, जो आपने ऑलरेडी लगा लिया है, हमने जो वेबसाइट बनाई थी चार पेजेस वाली उसमें ऑलरेडी हमने वो लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो बात डिस्कस हो रही है कि ये है क्या। तो इन्होंने कहा कि यार आपने जो है क्या करना है, रिलेटिव यूआरएल को इस्तेमाल करना है जब पेजेस पे नेविगेशन करवाएंगे, सेम वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम जाएंगे तो हमने क्या यूज़ करना है, हमने रिलेटिव यूआरएल को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इसके कुछ यहाँ पे इन्होंने फ़ायदे लिखे हुए, ये आपने ख़ुद से पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक लाइन बस हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगेन जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था ये कि बुक आपने क्या करना है, ख़ुद से आपने पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़रा लिमिटेड होता है। अगर मैं पूरी बुक को इस तरह स्टडी करने लग जाऊँ यहाँ पे
तो शायद हमारे पास टाइम कम पड़ सकता है ना, ठीक है, और शायद नहीं ऑब्वियसली कम पड़ जाएगा क्योंकि ये बुक ज़ाहिर है एक अच्छी खासी बड़ी बुक है ये। तो ब्रीफली जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा यहाँ पे, और ये डिटेल में जो ये पैराग्राफ्स हैं ये आपने खुद से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे क्लास को। अच्छा, अब यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल के ना वो बता रहा है ये कि रिलेटिव यूआरएल लगेगा कैसे। सेम फोल्डर के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट उसका नाम लिख देना है, ठीक है। अच्छा, हमारे केस में डॉट स्लैश लगा के लिखना है, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस नहीं किया, ज़रा सिंपल रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, लेकिन इसके अंदर हमें एक्चुअली क्या करना है, डॉट स्लैश लगाना है। डॉट स्लैश का मतलब होता है इसी फोल्डर के अंदर। अच्छा, इसका मतलब जो है वो क्या होता है, इसका मतलब डिफरेंट होता है। इसका मतलब होता है कि जो इस वक्त यू आर एल बार में जो है ना उस पर स्लैश लगा दें, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, और गिटहब पेजेस के अंदर अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो वो समटाइम काम नहीं करता, डॉट स्लैश वाला जो है ना वो हर दफ़ा काम कर जाता है। अच्छा, फिर चाइल्ड फोल्डर है कि जी आप अगर इस वक्त इंडेक्स के ऊपर खड़े हैं, आप इस वक्त इंडेक्स की फाइल पे खड़े हैं और आपने कहाँ जाना है, म्यूज़िक के अंदर जो लिस्टिंग डॉट एच टी एम एल उस पर जाना है, तो आप क्या करेंगे, डॉट स्लैश लिस्टिंग नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे डॉट स्लैश म्यूज़िक, उसके बाद स्लैश लिस्टिंग डॉट एच टी एम एल, इस तरह करके आप लिख रहे होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर अगर आपने जाना है तो आप उसका पूरा इस तरह यू आर एल लिखेंगे। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके बना के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट बना लेता हूँ कि जी एक एक इन्होंने जिस तरह बनाया ना इसी तरह बना लेते हैं, ऐसे मूवी डीवीडी और रिव्यू डॉट एच टी एम एल। कह रहे हैं कि जी रूट के ऊपर ना एक है भाई मूवी, सही है, और मूवी के अंदर फिर है डीवीडी, और डीवीडी के अंदर फिर है रिव्यू डॉट एच टी एम एल, तो कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा, ये वी एस कोड ने इसको दो फोल्डर को एक लाइन में दिखा दिया है मुझे, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये मेरा इंडेक्स है और मैंने इंडेक्स के ऊपर एक बटन बनाना है, जिस बटन के ज़रिए मैं क्या कर सकूँ, मैं मूवी के अंदर नहीं, डीवीडी के अंदर नहीं, बल्कि मूवी के अंदर डीवीडी के अंदर रिव्यू डॉट एच टी एम एल पर जाना चाहता हूँ सीधा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार गो टू रिव्यू, एंकर टैग बनाया मैंने और मैंने कहा कि यार गो टू रिव्यू पेज। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे जो है आके, यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो लिखूँगा डॉट स्लैश, तो मेरे पास देखो सजेशन में खुद ही आ गया कि इस लेवल पे क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मुझे डॉट स्लैश के बाद पहले मूवी में जाना है, फिर डीवीडी में जाना है, फिर रिव्यू डॉट एच टी एम एल में जाना है, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर मुझे अबाउट पे जाना होता, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इस बटन के क्लिक पे मैं अबाउट पे जाता हूँ, तो अबाउट पे डॉट स्लैश लगा के सीधा अबाउट लिख दिया मैंने, ठीक है, ये अंदर हो गया। अच्छा, अब ये हो गया जी, मैं क्या कर देता हूँ रिव्यू डॉट एच टी एम एल पे जाके एक बात लिख देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि यार दिस इज़ रिव्यू पेज, सही है, दिस इज़ रिव्यू पेज हो गया ये। आके इसको ज़रा चला के भी देख लेते हैं, सही है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये गो टू रिव्यू पेज का बटन आ रहा है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मैं रिव्यू पेज पे पहुँच जाता हूँ। अच्छा, अब रिव्यू पेज के ऊपर ज़ाहिर है नेविगेशन बार तो वहाँ भी चाहिए मुझे, नेविगेशन बार मुझे वहाँ पे भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो होम पे नेविगेशन बार बना हुआ था ना, ये पूरा नेविगेशन बार उठा के मैं उधर भी ले जाता हूँ, सही है, ये मैं इधर भी ले गया नेविगेशन बार। अच्छा, वंस मैं रिव्यू के पेज पर आ गया तो मुझे अब यहाँ से जो नेविगेशन बार है मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास वापस होम पे जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, गैलरी पे जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट पे जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, और अबाउट पे जाने का ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं होम का बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे आकर, ठीक है, मैं जैसे ही, अच्छा इसको मैं ज़रा थोड़े डिफरेंट तरीके से चला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो यू आर एल ताकि थोड़ा सही बना हुआ है, ठीक है, मैंने लाइव सर्वर से चलाया है, जिन लोगों को लाइव सर्वर का नहीं पता वो इग्नोर करें इसको, ये क्या चीज़ है ये। ओके, ठीक है, तो अभी देखो मैं स्लैश मूवी स्लैश डीवीडी स्लैश रिव्यू के अंदर हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे खड़ा होके मैं जैसे ही होम का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे यूआरएल में ये अभी भी मूवी और डीवीडी के अंदर ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ गया कैन नॉट गेट। अच्छा मैं दोबारा से इसको, ये मैं होम पे आ गया इस वक्त, दिस इज़ होम पे, ये मैं दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ये मैं गया, अच्छा अभी देखो यहाँ पे स्लैश वेबसाइट तक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फोर पेज वेबसाइट जो मेरे फोल्डर का नाम है वो लिखा हुआ है। मैं जैसे ही क्या करता हूँ, मैं अबाउट पे जाता हूँ तो यहाँ पे जस्ट स्लैश अबाउट आता है, ठीक है। यहाँ से मैं होम पे जाता हूँ तो जस्ट स्लैश इंडेक्स आता है, और जब मैं रिव्यू के पेज पे लेकिन जाता हूँ तो आप क्या देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, स्लैश मूवी स्लैश डीवीडी स्लैश रिव्यू डॉट एच टी एम एल, कि मैं ये अंदर वाले अंदर में फोल्डर में मैं चला गया, ग्रैंड चाइल्ड के फोल्डर में मैं जा चुका हूँ इस वक्त। अच्छा यहाँ पे जाने के बाद अब मैं बोलता हूँ ना स्लैश होम, तो क्या मतलब आ गया लिखा हुआ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ आ गया, है ना। और ये मूवी डीवीडी रिमूव नहीं हुआ, यहाँ से हटा नहीं, यानी उस फोल्डर से ये बाहर नहीं आया, ये उसी फोल्डर में ढूंढने की कोशिश कर रहा है और जो कि इसको मिल नहीं रहा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं रिव्यू डॉट एच टी एम एल पर खड़ा होकर ये बात कहता हूँ कि क्या कर दो डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जाओ, तो वो समझता है कि इसी फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जाना है। अच्छा इस फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कोई है नहीं तो उसको मिल नहीं रहा वो। अच्छा लेकिन मुझे इस फोल्डर में नहीं, मुझे इससे पीछे के पीछे वाले फोल्डर में जाना है। तो बुक में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जी ग्रैंड चाइल्ड वाला तो बता दिया इसने कि भाई इस तरह है मूवी स्लैश ये वाला। अच्छा अब अगर आपने आना है पेरेंट फोल्डर में, यानी कि एक पीछे आना है आपने एक फोल्डर, इन्होंने कहा यार डॉट डॉट स्लैश लगाओगे आप, ठीक है। अच्छा अगर आपने दो दफ़ा तीन दफ़ा आना है पीछे तो जितनी दफ़ा आना है उतनी दफ़ा ये लगा दोगे आप। तो हम अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है हमने अब दो डॉट स्लैश लगाना है। दो डॉट स्लैश का मतलब होता है कि ये वाला नहीं फोल्डर, इससे पीछे जो फोल्डर है वो वाला, वन स्टेप अप जिसको कहते हैं। तो एक फोल्डर पीछे किया मैंने, क्या मेरा काम हो जाएगा अभी एक फोल्डर पीछे करने से, मुझे दो फोल्डर पीछे करना पड़ेगा, सही है। मैंने दो दफ़ा पीछे किया इसको, अच्छा अब मेरा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वो सही चलने लग जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, सही है। ये होम पे आया मैं वापस, अब मैं रिव्यू के पेज पे गया और मैं वापस होम पे आया, सही चल रहा है अभी, सही है। दोबारा रिव्यू पे गया गैलरी लेकिन अभी भी काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन तमाम पे ये डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, सही है। पूरा नेविगेशन बार मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं रिव्यू के पेज पे जाऊंगा, कॉन्टैक्ट पे भी काम कर सकता हूँ मैं गैलरी पे भी जा सकता हूँ, ये सेट हो गया मेरा। ये सिलेक्शन की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल कमांड, नहीं अल्टर और कंट्रोल और डाउन, ये शॉर्टकट है इसका। आपके पास पता नहीं शायद डिफरेंट आ रहा होगा, असल मेरे पास तो ऑप्शन कमांड और डाउन है, तो आपके पास भी कोई ना कोई शॉर्टकट होगा, मे बी कंट्रोल अल्टर दबाओ, देखो क्या हो रहा है, कंट्रोल अल्टर और एरो डाउन, तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। जब कंट्रोल अल्टर एरो डाउन दबाओगे ना तो कुछ इस तरह का, कुछ और ही दबा दिया, कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये कर्सर डुप्लीकेट हो जाएगा और फिर जो भी लिखोगे वो सब जगह लिखाएगा, वही। अच्छा ये काम कंट्रोल डी से भी करता हूँ मैं अक्सर, ये काम मैं अक्सर कंट्रोल डी से भी करता हूँ। जैसे मुझे ये एच रेफ के अंदर ना मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी चारों एच रेफ में, तो मैं एच रेफ पे यूँ क्लिक करूँगा और मैं दबाऊँगा कंट्रोल डी, तो ये देखो चारों सेलेक्ट हो गया एच रेफ। अब मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे दोबारा से जो भी लिखूँगा वो चारों जगह पे लिखाएगा, सही है। तो कंट्रोल डी एक मैंने बताया और एक बताया मैंने अल्टर कंट्रोल और डाउन, अल्टर कंट्रोल डाउन चल रहा है, चल रहा है। अच्छा अल्टर कंट्रोल डाउन पे तुम्हारा वो कुछ दूसरा लगा हुआ था शॉर्टकट स्क्रीन उल्टी करने वाला, तो तुम्हारी स्क्रीन उल्टी हो गई। अल्टर कंट्रोल अब दबा दो फिर, अल्टर कंट्रोल डाउन से उल्टी हुई है ना, अब दबा दो सीधी हो जाएगी। ये इंटेल वाला ग्राफिक का जो ड्राइवर है ना उसका ये शॉर्टकट है, वो नीचे छोटा सा बना हुआ आ रहा होगा टास्क बार में, उसको क्लोज कर दोगे तो फिर ये शॉर्टकट सही चलेगा फिर।
अच्छा कहाँ गई बुक हमारी? अच्छा जी, तो अब हमारे पास आ गया ईमेल लिंक्स। ईमेल लिंक क्या होता है जी, कि आप ना किसी वेबसाइट पे ईमेल लिखा हुआ है ना अगर, तो उसके क्लिक के ऊपर ना ईमेल की ऐप ओपन हो जाए, उसका मतलब ये होता है। अच्छा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एचरेफ के अंदर ना ईमेल लिखना पड़ता है, और ईमेल से पहले आप क्या लगा देते हैं, मेल टू लगा देते हैं, दैट्स इट। इतना सिंपल सा काम है। अच्छा, तो मैं आके क्या करता हूँ यहाँ पे, एक ईमेल, इमेजिनरी ईमेल एक मैं लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट में, और कहाँ पर, कॉन्टैक्ट के पेज पर ये लगा देता हूँ। ठीक है, ये एक इमेजिनरी ईमेल यहाँ पे लग गई। ठीक है, मैंने कहा ईमेल अस, ये हो गया जी ईमेल अस। अच्छा, तो अच्छा ईमेल यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि जी यार मलिक एट द रेट abc.com। सही है, ये मैंने एक इमेजिनरी ईमेल यहाँ पे लिख दी, या इस पे जी मेल कर देते हैं मोर रियलिस्टिक। और इससे पहले मैंने मेल टू लगा दिया। अच्छा, अब इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, इसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि आपके मशीन में अगर कोई ईमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है अगर, तो वो ओपन होगा। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर कंप्यूटर्स में आजकल ईमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, ज़्यादातर कंप्यूटर में ईमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है। अच्छा, ईमेल का सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होता आजकल कि वो है क्या भला। ईमेल का सॉफ्टवेयर कौन बताएगा मुझे, ईमेल का सॉफ्टवेयर क्या होता है, ईमेल क्लाइंट जिसको कहते हैं, है ना, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ आउट ऑफ डेट हो चुकी है। वेल, इसको ज़रा क्लिक करके इसका बिहेवियर देख लेते हैं। ईमेल क्लाइंट ये होता है कि आपके पास आउटलुक जैसे विंडोज़ के अंदर शायद सम टाइम पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो उसको क्लिक करने पे ना आउटलुक ओपन होना चाहिए, लेकिन मेरे पास आप देखें कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि अब मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं आउटलुक इंस्टॉल करूँ, मैं डायरेक्ट gmail.com जाके खोलता हूँ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये gmail.com और yahoo.com आने के बाद ये हुआ है कि आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट खोलते हैं। इससे पहले क्या होता था, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता था जो CD में आता था बकायदा। CD उसका आप ला के ना उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते थे, और जब आप अकाउंट बनाते थे ना, जैसे gmail.com जैसी वेबसाइट पे जब अकाउंट बनाते थे, तो वो आपको ईमेल का इनबॉक्स नहीं दिखाता था, वो आपको देता था दो आईडी पासवर्ड देता था आपको, पता नहीं टोकन देता था, वो आप डालते थे अपने आउटलुक में, तो फिर सारी ईमेलें आउटलुक में शो होती थी, वेब एप्लीकेशन में डायरेक्ट कुछ भी शो नहीं होता था। ठीक है, तो वो ज़माना आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसी ने देखा है वो ज़माना। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा। इतना पुराना मैं भी नहीं हूँ। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि gmail.com पे आपको वो इनबॉक्स भी दिखा देता है वेब पेज के ऊपर, और साथ में आपको वो आईडी पासवर्ड भी दे देता है। जीमेल की सेटिंग में अभी भी वो आईडी पासवर्ड मौजूद है, बल्कि अब तो आउटलुक में ये ऑप्शन है, डायरेक्ट लॉग इन विद गूगल करो तो वो चल जाता है खुद ही, उसको कुछ पासवर्ड भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब वो उसको कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई यूज़ करता होगा, पर्सनल लेवल पे तो खैर कोई भी नहीं करता होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ में अभी भी शायद लगा हुआ है वो, तो वहाँ पे मजबूरन वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अभी के दौर में जो नया माल है, जो सबसे जदीद माल है, वो क्या है, वो है व्हाट्सएप। सही है, व्हाट्सएप है और कॉल है, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं जो हम चला रहे होते हैं। तो हमारे पास जो ये लिंक है ना, ये ईमेल अस वाला, इसके लिए इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, इसकी जगह हम लगा देंगे व्हाट्सएप का लिंक। अब व्हाट्सएप का लिंक किस तरह लगता है, व्हाट्सएप लिंक, ठीक है, ये आ गया जी हाउ टू। इन्होंने बोला यार आप क्या करो, आप ना ये लिंक लगाओ, आप आ जाओ भाई, ये लिंक लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ये पूरी इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है और सब यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि किस किस तरह से क्या क्या होता है। ठीक है, आओ यार यहाँ पे ज़रा, आप कोड किधर गया मेरा कोड, ये रहा। मैंने एक बी आर लगाया और मैंने साथ में क्या बोल दिया, ठीक है, व्हाट्सएप अस, ठीक है, व्हाट्सएप अस के बाद ना। अच्छा, एक एक ये भी सवाल है कि क्या मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाना है, मुझे मतलब व्हाट्सएप अस लिखने के बाद सामने नंबर दिखाना है, या मुझे व्हाट्सएप अस को ही क्लिकेबल बना देना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, हम दोनों काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर किसी बंदे के पास व्हाट्सएप का लिंक काम नहीं कर रहा, अगर
व्हाट्सएप का लिंक काम नहीं कर रहा, या उसने किसी को यूँ दिखाना है, किसी दूसरे वेबसाइट खोल के किसी दूसरे को दिखाना है अगर, तो वो तो फिर लिखा हुआ होगा तो नज़र आएगा, इस तरह तो नहीं आएगा नज़र, है ना। तो बेहतर ये है कि मैं क्या करूँ, व्हाट्सएप उसको मैं क्लिकेबल नहीं बनाऊँ, बल्कि मैं उस नंबर को क्लिकेबल बना दूँ जो नंबर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं मेरा नंबर लिख देता हूँ, मैंने कहा एंकर टैग, और एंकर टैग के दरमियान में मैंने कहा कि भाई सही है, ये मैंने मेरा नंबर यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ये नंबर तो क्लिकेबल हो गया है फ़िलहाल के लिए, लेकिन इसके क्लिक पे होगा क्या, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं अब यहाँ पे आके लगाऊंगा मेरा ये व्हाट्सएप वाला लिंक, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप वाला लिंक क्या है, https://wa.me और स्लैश आपका नंबर, तो यहाँ पे मुझे वही नंबर लिखना होगा जो मैंने वहाँ लिखा है। अच्छा, और इंटरनेशनल फॉर्मेट में +9230222004480, ठीक है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में। इसमें स्पेस नहीं दे सकते आप, इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते आप, इसमें डैश नहीं लगा सकते आप, इसमें आपने +92 से शुरू करना है और पूरा लिख देना है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ इस वाले को, तो मुझे ये कहाँ लेके चला जाएगा, मुझे ये व्हाट्सएप के URL पे लेके चला जाएगा। देखा हुआ है ना इस तरह का लिंक आपने, और आप कंटिन्यू टू चैट करेंगे तो आपको ये उस पर, अच्छा अभी मेरे ख्याल है अच्छा यूज़ व्हाट्सएप वेब, तो ये वेब डॉट व्हाट्सएप पर मुझे लेके चला गया, ठीक है। फिलहाल मैं जाना नहीं चाहता वेब डॉट व्हाट्सएप के ऊपर, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से जब आप यहाँ पे कोई URL खोलते हैं व्हाट्सएप का, ठीक है, तो उसमें सम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई आ रही होती हैं, एक मैसेज पहले से लिखा हुआ आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक वेबसाइट है, इसको मैंने बंद क्यों कर दिया, अच्छा आपकी एक वेबसाइट है अगर, यहाँ पे जब आप खोलते हैं, अच्छा एक चीज़ और, ये इसी पेज पे खुल जाता है, इसी पेज पे नहीं खुलना चाहिए, मैं चाहता हूँ एक नए विंडो में खुले, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन बताएगा, टारगेट और अच्छा टारगेट में तीन आ रहे हैं, हमें अंडरस्कोर ब्लैंक लगा देना है, तो उससे क्या होगा कि जब मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको, जब क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये नए विंडो में खुल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर समटाइम क्या होता है, कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई आ रही होती हैं, तो वो किस तरह से करते हैं वहाँ, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कहीं ना कहीं यार, हाँ ये आ गया ना, इन्होंने बोला है कि भाई https://whatsapp.wa.me, उसके बाद आपका नंबर स्लैश, उसके बाद आपका टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह करके टेक्स्ट, तो मैं ये लिख देता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे आगे, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया। अच्छा, ये कह रहा है टेक्स्ट जो होना चाहिए ना आपका, वो क्या होना चाहिए, वो URL इनकोडेड फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके जो ये ऐसे करके टेक्स्ट लिख देता हूँ स्लैश, तो अगर तो इसमें स्पेस नहीं है अगर मेरे टेक्स्ट के अंदर, तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मेरे टेक्स्ट में स्पेस मौजूद है ना, तो उसको मुझे URL इनकोडेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा बंदा क्या पहला मैसेज करे मुझे, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरा बंदा आएगा ना, मुझे मैसेज क्या करेगा कि हाय आई जस्ट विजिटेड योर वेबसाइट एंड आई हैव अ क्वेश्चन, सही है, अब आई हैव अ क्वेश्चन, ये हो गया। अब उसके बाद वो अपना क्वेश्चन लिखेगा मोस्ट प्रोबली, ठीक है, तो इतनी बात तो शायद लिखनी पड़ती है ना कि यार मैंने आपकी वेबसाइट विजिट की है, ताकि पता लगे कि ये मैसेज जो है उसने दुकान के बाहर नंबर नोट करके नहीं किया, बल्कि वेबसाइट से देख के कर रहा है वो, तो थोड़ा सा एक ये डेटा आ जाता है, एक डेटा पॉइंट आ जाता है कि ये बंदा वेबसाइट पर देख कर आया, ठीक है। दुकान के बाहर जो खड़ा हुआ बंदा है उसकी डायनेमिक्स अलग होती है, वेबसाइट पर खड़े हुए बंदे की डायनेमिक्स अलग होती है। तो अच्छा, वेबसाइट से आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जो वेबसाइट पे डेटा है, जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, जो वेबसाइट पे रेट्स लिखे हुए हैं, वो सारे वो देख चुका है, तो उसको अब उसके आगे की बात बतानी है। लेकिन अगर किसी बंदे ने किसी बंदे से नंबर लिया है और या दुकान के बाहर खड़ा होकर नंबर देख के फ़ोन कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं पता ये सब कुछ, तो उससे ज़रा बात मुख्तलिफ तरह से होगी, ठीक है ना। तो ये एक डेटा पॉइंट है जो मैंने यहाँ से कन्वे कर लिया।
अच्छा, तो ये आई हैव अ क्वेश्चन के बाद वो आप आगे की बात खुद लिखिएगा। तो ये इस तरह से ना, ये इस तरह से काम नहीं करेगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे करना पड़ेगा यू आर एल इनकोडेड, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया। अच्छा यार, इसने खुद से कर दिया है, खुद से कर दिया है इसने, खुद से कर दिया इसने। चलो ये भी अच्छी बात है कि खुद से कर दिया इसने, सही है। अच्छा, अगर ये खुद से ना करे तो कन्वर्ट यू आर एल इनकोडेड, सही है। ऑनलाइन इसके कन्वर्टर अवेलेबल हैं। अब आप देखें, नोट करें यहाँ पे इन्होंने जो कन्वर्जन की है ना, कन्वर्जन ये दिख रही है आपको, ये टेक्स्ट के आगे ये हाई के बाद प्लस है, और प्लस स्पेस की जगह प्लस लगाया जा रहा है एक्चुअली, यहाँ पे स्पेस की जगह प्लस लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यू आर एल इनकोडेड में मैं जब हाथ से जाके उसको पेस्ट करता हूँ ना, इतने पार्ट को, ये वाले को मैंने हाथ से यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। ये रैंडम है, जस्ट कोई कोई भी आप लिखेंगे, बहुत सारे कन्वर्टर अवेलेबल हैं। और जब आप इसको इनकोड का बटन दबाएंगे तो आपको देखेंगे इन्होंने इस तरह से दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसने प्लस नहीं लगाया। मैं ये वाला भी पेस्ट करूँगा तो ये वाला भी चल जाएगा, ठीक है। बेहतर ये है कि ये वाला लगा दें, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि यार यू आर एल इनकोडेड हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया पूरा आगे, सेम चीज़ लिख दी है मैंने, अब की बार मैंने यू आर एल इनकोडेड में लिखा है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि उन्होंने लिखा है कि यार यू आर एल इनकोडेड होना चाहिए, तो बेहतर ये है कि आप यू आर एल इनकोडेड उसको करके दें। रिफ्रेश करता हूँ मैं और बटन दबाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। सेम तरीके से अभी भी काम कर रहा है वो, और कंटिन्यू टू चैट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चैट करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी को मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन पे भी इवनली काम कर रहा होता है। अच्छा, मैं मोबाइल फ़ोन पे इस वेबसाइट को कैसे ओपन करूँगा, जो मेरी इस वक्त आईपी है मेरे मशीन की, वो लिखूँगा मैं, ठीक है। ये मेरे मशीन की लोकल आईपी इस वक्त आ रही है 172.20.21.244, ठीक है। और पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट है 5500, अच्छा। तो ये मेरे पास ना, ये वेबसाइट मैंने मोबाइल में भी ओपन कर ली है, ठीक है। अच्छा, आप भी क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप अपने पास भी ये वाला यूआरएल लिखेंगे ना, तो आपके पास भी ये वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, क्योंकि आप भी उसी नेटवर्क पे हैं जिस पे मैं हूँ, सही है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ना ये वेबसाइट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बटन क्लिक करता हूँ, और मेरे पास देखो यहाँ पे ईमेल ऐसे, अब ईमेल ऐसे अगर मैं अपने फ़ोन में दबाता हूँ तो क्या होता है, ईमेल ऐसे पे क्लिक करने से ना, ये देखो रीस्टोर मेल करके आ रहा है। एक इसमें बिल्टन सॉफ्टवेयर होता है मेल के नाम से, वो इंस्टॉल होता है, तो वो कह रहा है कि यार उसको आप दोबारा से इंस्टॉल कर लो, आपने उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैं अगर इस फ़ोन नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप खोलता है, सही है, जो कि मैं इस वक्त यहाँ पे शो ना करना नहीं चाहता, सही है। अच्छा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, आपने देखा कि ये जो व्हाट्सएप वाला लिंक है, ये दोनों पे इवनली काम कर रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप के लिंक के अलावा हमारे पास एक फ़ोन नंबर का लिंक होता है, ठीक है। फ़ोन नंबर का लिंक अब देख लेते हैं वो कैसे लगता है। बुक में ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई भी, ये अलग, अब वैसे तो होनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की हुई है फ़िलहाल। अच्छा, मैंने कहा कि यार फ़ोन नंबर लिंक, ठीक है जी, तो ये इस तरह लगेगा, टेल और टेल के आगे वही फ़ोन नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक बीआर और लगा के मैं कहता हूँ कि यार व्हाट्सएप ऐसा ना, मैं कहता हूँ यार कॉल अस, और ये वाला लिंक एंकर टैग, और एंकर टैग में ये लिंक लगा दिया मैंने। अच्छा, कॉल अस के नीचे भी मैं चाहता हूँ कि नंबर दिखे मेरा लिखा हुआ, मैंने कहा भाई 03, सही है। तो आप नोट करें, ये पार्ट क्लिकेबल होगा। अच्छा, इस पार्ट को मैंने कैसे लिखना है, इस पार्ट में मैं कोई ब्रैकेट श्रैकेट जो भी चाहूँ लगा सकता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप वाला बिल्कुल अलग हो गया,
ठीक है, ये इतना पार्ट ईमेल वाला है, इतना पार्ट व्हाट्सएप वाला है, इतना पार्ट कॉल वाला है। अच्छा, तो ये जो क्लिकेबल पार्ट है ना, इसमें मैं कुछ भी लिखता रहूँ, इसमें इट डजेंट मैटर कि इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, ये जस्ट डिस्प्ले वाला पार्ट है। ठीक है, तो व्हाट्सएप के लिंक के अंदर भी अगर मैं चाहूँ कि यार मैं +92 लगाऊँ, उसके बाद स्पेस दूँ, है ना, इंटरनेशनल जो फॉर्मेट होता है नंबर को लिखने का, और इस तरह करके लिखूँ अगर मैं, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्लिकेबल पार्ट को अगर मैं चाहूँ कि मैं इस तरह लिख दूँ कि जी +92 और उसके बाद डैश, या उसके बाद ऐसे डैश लगा दूँ मैं, ठीक है, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे भी आमतौर पे डैश लगाते हैं एक बंदे, ठीक है, शुरू में ऐसे करके डैश लगाते हैं, इससे क्या होता है रिमेम्बर करना ज़रा आसान हो जाता है, तो बंदे को रिमेम्बर हो जाएगा, अच्छा 302 200 4480, ऐसे करके रिमेम्बर करना आसान हो जाता है। तो मैं इस तरह करके लगाऊंगा ना, तो वो क्लिकेबल पार्ट में मैं लगा सकता हूँ ये, लेकिन जो यूआरएल वाला पार्ट है ना, ये वाला एचरेफ वाला, इसके अंदर मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, आके ज़रा चेक करते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है। कॉल अस वाले पे क्लिक करने पे इसको कॉल इनिशिएट करनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है ओपन फेस टाइम, तो फेस टाइम इज़ जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप है, वो एप्पल के डिवाइसेस में इन्होंने इंस्टॉल किया होता है पहले से, तो क्योंकि इसमें सिम तो नहीं है इस डिवाइस के अंदर, इसमें फेस टाइम है, तो इसने बोला यार फेस टाइम से कॉल लगा देते हैं, तो इस नंबर पर अगर मैं ओके करूँगा तो ये फेस टाइम से कॉल लगा देगा। अच्छा, अगर यही चीज़ मैं अपने फ़ोन में ओपन करता हूँ, तो मेरे फ़ोन में क्या होगा, ये कॉल करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ठीक है, कॉल करने की ये कोशिश क्या करेगा, स्क्रीन में दोबारा से शेयर करता हूँ अपनी तरह यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास ना व्हाट्सएप पर आ रहा था, अभी मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये नीचे कॉल अस भी आ गया। अच्छा, कॉल अस के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये नीचे इस तरह से जो है ना कॉल का ऑप्शन खोल देता है, क्योंकि डायरेक्ट बंदा कॉल कर सके, क्योंकि अगर वेबसाइट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो वैसे तो आमतौर पर ये होता है कि अगर मैं कोई नंबर सेलेक्ट करता हूँ ऐसे करके, यूँ सेलेक्ट करता हूँ कोई नंबर मैं, ठीक है, तो यहीं पे ऑप्शन आ जाता है कि कॉल दिस नंबर, ऐसे ना यहाँ पे आ जाता है, लेकिन मसला ये है वो हर दफ़ा नहीं आता और हर फ़ोन में नहीं आता वो, है ना, वो हर फ़ोन में नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखो इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ना, यूँ नॉट लाइक दैट, मैं अगर इसको यहाँ से वो सेलेक्शन वाले पे करूँ ना, सिलेक्शन वाले पे करूँ, तो ये समझ जाता है सम टाइम कि ये फ़ोन नंबर है ये रहा। अच्छा, ये पहचान भी है कि नंबर है किसका, ये देखो लिखा हुआ गया कि कॉल इंजमाम, ठीक है, क्योंकि ये नंबर सेव भी है मेरे पास, तो ये पहचान भी गया है, लेकिन ये हर दफ़ा नहीं होता और ये हर डिवाइस में नहीं होता, कुछ डिवाइसेस में ये बिहेवियर अलग होगा, कुछ में अलग होगा, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको क्लिकेबल करके फ़ोन का लिंक इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी आइटम है आजकल के टाइम के लिए, क्योंकि आजकल इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि वो आपके नंबर को देखे और उसको देख के डायल करे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने वापस कैंसिल किया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एसएमएस का भी लिंक है, आ जाओ भाई, एसएमएस का लिंक कहाँ है, ये आ गया एसएमएस का लिंक। अरे ये कैसे खोल दिया इसने, अच्छा कॉल पे तो मुझे पहले से कोई चीज़ लिखनी नहीं होती ना, लेकिन जैसे व्हाट्सएप पे मुझे चीज़ लिखनी होती है, इसी तरह मुझे एसएमएस में भी कोई ना कोई चीज़ लिखनी होती है, तो आके ज़रा हम देख लेते हैं। ये इन्होंने एक एसएमएस का जो है ना एक लिंक बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं अपने पास लगा देता हूँ, ठीक है, और एक अदद बी आर लगा के मैं क्या लिख देता हूँ, एसएमएस अस, ठीक है। अच्छा, एसएमएस भी काइंड ऑफ अब आउट ऑफ डेट हो गया, एसएमएस भी अब शायद बहुत ही कम लोग यूज़ करते होंगे मे बी, लेकिन कुछ जगहों पे ना एसएमएस अभी भी चलता है और बहुत अच्छा चलता है। अब ये एक अजीब सी बात है, तो एसएमएस और एमएमएस, एसएमएस और एमएमएस ये दोनों आउट ऑफ डेट हो गए ना, तो खैर एमएमएस तो नहीं, एमएमएस की जगह तो अब खैर ये व्हाट्सएप वगैरह ने ले लिए, पहले एमएमएस में क्या होता था, कोई पिक्चर विक्चर किसी को भेजनी हो तो एमएमएस करते थे, ठीक
तो वो तो खैर ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, लेकिन SMS अब अभी भी ना कुछ जगहों पे बड़ा चलता है। अच्छा वो कौन सी जगह है? वो है USA। USA में लोग SMS बहुत करते हैं एक दूसरे को ना। व्हाट्सएप जैसे हम यूज़ करते हैं ना, उधर व्हाट्सएप के यूज़र रिलेटिवली कम है, SMS के यूज़र वहाँ पे ज़्यादा हैं। अच्छा उसका रीज़न भी बताता हूँ कि क्यों है। वेल पहले ज़रा मैं इसको ज़रा URL को सेट कर लूँ। अच्छा यहाँ पे आप नोट करें ये URL, ये इतने पार्ट में ना नंबर लिखा हुआ है, तो मैं इसको अपना नंबर लगा देता हूँ +9230220044480। अच्छा बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है मैंने कहा यार ये टेक्स्ट हटाओ और लिखो कि यार हाय आई जस्ट विजिटेड योर वेबसाइट एंड आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है आई हैव अ क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब इस लिंक के ऊपर नज़र क्या आना चाहिए? जब इस लिंक को ये लिंक डिस्प्ले हो रहा हो तो नज़र क्या आना चाहिए? ठीक है मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ही लिख देता हूँ कि यार जब लिंक स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो ना तो फ़ोन नंबर ही नज़र आ रहा हो। ठीक है मैं कहता हूँ कि यार ये इसी तरह का फॉर्मेट नज़र आ जाए। ठीक है आके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें SMS अस के नीचे भी फ़ोन नंबर वही वाला शो हो रहा है जो बाकी दोनों पे हो रहा था। अच्छा मैंने ज़रा दोनों पे अलग अलग फॉर्मेटिंग कर दी है, आमतौर पे अलग अलग फॉर्मेटिंग नहीं करते, एक ही करते हैं। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए किया है कि यार इस तरह से भी हो सकता है, मैंने जस्ट ये बताने के लिए आपको किया है ना। सही है ये ऊपर वाली जो फॉर्मेटिंग है ना ये मैं तीनों जगह पे एक जैसी कर देता हूँ। सही है तीनों जगह पे मैंने एक जैसी फॉर्मेटिंग कर दी है और थोड़ा CSS लगा के इसको हम अलाइन भी कर लेते हैं साथ। अलाइन करने से ये होता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ रहा होता है। अच्छा SMS का बटन अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है? अगेन ये मैसेजेस खोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैसेजेस की ऐप यहाँ पे भी होती है इधर। सही है ये मैसेजेस की ऐप यहाँ पे भी है तो फ़ोन पे आने वाला मैसेज यहाँ पे भी दिख रहा होता है। तो यहाँ पे सही है मुझे मैसेजेस की ऐप खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है और अभी मैं ओपन नहीं करूँगा इसको। और अगर मैं सेम चीज़ को फ़ोन पे क्लिक करता हूँ, एक दफ़ा मैं ख़ुद से क्लिक करके देख लूँ पहले कि क्या खोलता है मैसेज में। ठीक है तो कुछ इस तरह की चीज़ ये खोल देता है। सही है गुड। अच्छा अब मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि मोबाइल पे इसका क्या बिहेवियर है। अच्छा जी तो ये मेरे पास ये वेबसाइट खुली हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है। अच्छा तो जब मैं SMS अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से डायरेक्टली SMS की ऐप के अंदर आ जाता है। ठीक है और यहाँ पे देखें वो बात लिखी हुई भी आ गई जो मैंने मैसेज लिखा था ना, वो वाली बात यहाँ पे लिखी हुई भी आ गई पहले से। अच्छा भाई तो हमने ये तीन तरह के लिंक देख लिए, ईमेल तो आउट ऑफ डेट हो गया है, कॉल का, व्हाट्सएप का और SMS का लिंक हमने देख लिया। अच्छा अब इसी तरीके से जो है वो टेलीग्राम का भी लिंक होता है, टेलीग्राम पे डायरेक्ट आपको मूव करा देगा वो। ठीक है ठीक है। अच्छा और ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना ऑलमोस्ट ये सारे प्रोवाइड करते हैं ये वाला काम। ठीक है कह रहा है यार व्हाट्सएप में इस तरह होता है ना, मुझे यही चीज़ टेलीग्राम में चाहिए। सही है टेलीग्राम में ये आ गया T.me और उसके बाद नंबर, तो इस तरह करके लगाएंगे टेलीग्राम पे लग जाएगा ये। जो वाइबर है और पता नहीं और जो दूसरे निम्बो शिम्बो पता नहीं और क्या क्या हैं, तो उन सब का ये होता है। ठीक है ना लिंक सब ने ये दिया होता है, अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल है तो वो खुल जाएगी और अगर ऐप इंस्टॉल नहीं है तो वेब पेज खोल देगा वो। तो ये हमने सीख लिया। कोई और ऐसा लिंक जो इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में तो वो मैं बता देता हूँ लगाना। इंस्टाग्राम यस। इंस्टाग्राम का मैसेज लिंक चेक कर लेते हैं। इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज लिंक HTML भी लिखना पड़ेगा साथ में। ये रहा इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज लिंक आ गया। इसने बोला है कि यार जिस तरह व्हाट्सएप में होता है इसी तरह मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का।
डायरेक्ट मैसेजेस प्रोफाइल तक ले जाना। इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज नहीं आ रहा भाई। अच्छा, ये कह रहा है इंस्टाग्राम में आप कन्वर्सेशन ओपन करोगे। अच्छा, मेरे पास इंस्टाग्राम इंस्टॉल ही नहीं है। कितना शरीफ हूँ ना मैं। हाँ, ये कह रहा है कि यार आप कन्वर्सेशन ओपन करोगे ना, और ये यूआरएल जो आ रहा है ऊपर, बस वही यूआरएल आप भेज दो, हो जाएगा। ठीक है, वही यूआरएल आप भेज दो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अभी छोड़ो, इंस्टाग्राम नहीं खोलते, अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे हमें पता लग गया एटलीस्ट कि हमने क्या करना है। इंस्टाग्राम क्योंकि वेब बेस्ड भी है, वेब बेस्ड पे भी चल रहा होता है, और इंस्टाग्राम का कोई भी लिंक होता है ना, जब आप मोबाइल फ़ोन में ओपन करते हैं तो वो पहले तो ओपन होता है ब्राउज़र में, लेकिन ब्राउज़र से फ़ौरन ही वो स्विच करके ऐप में चला जाता है। फेसबुक के साथ भी यही होता है, अगर व्हाट्सएप पे आपने आपको किसी ने फेसबुक का कोई लिंक भेजा है वीडियो का, तो वो आप जब क्लिक करते हैं व्हाट्सएप में उस लिंक के ऊपर, तो वो पहले तो खुलता है ब्राउज़र में, लेकिन वो फ़ौरन ही स्विच करके जो है ना फेसबुक की ऐप के अंदर चला जाता है। तो इंस्टाग्राम का भी कुछ इसी तरह का चक्कर है, जब आप वो यूआरएल ओपन करेंगे ना तो पहले वो ब्राउज़र पे खुलेगा, लेकिन वो फ़ौरन स्विच करके उसकी ऐप पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूआरएल रजिस्टर किया हुआ होता है इन्होंने, जैसे मोबाइल ऐप इंस्टॉल होती है ना, तो वो यूआरएल को रजिस्टर कर लेते हैं कि यार ये यूआरएल जो है ना, जब खुले तो इस ऐप को खोल देना आपने, उसको शायद ये डीप लिंक भी कहते हैं उसको ये। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, आपका अगला काम अब ये है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है अपनी, उसके अंदर आपने ये वाले सारे लिंक भी अटैच कर देने हैं। सही है, हो जाएगा, आसान है, मुश्किल तो नहीं है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, और क्या रिपोर्ट है इसकी। ईमेल लिंक हमने देख लिया, ओपनिंग लिंक इन न्यू विंडो देख लिया, ये अंडरस्कोर ब्लैंक करके हमने, है ना। आ जाओ अब और आगे आ जाओ। लिंकिंग टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अब जैसे एक दो दोस्तों ने अपने असाइनमेंट में इस चीज़ को शामिल भी किया था। अच्छा, ये लेकिन बड़ा आसान तरीका है, ये बता देता हूँ मैं किस तरह होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पेज है, अभी मेरे पास जितने भी पेजेस हैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा कंटेंट तो है नहीं। ठीक है, तो इस पेज के ऊपर ज़रा ज़्यादा कंटेंट हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा कंटेंट किस तरह ऐड करेंगे, ये हम पैराग्राफ्स यहाँ से उठा लेते हैं। तो होम पेज के ऊपर मैं कुछ पैराग्राफ्स लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अभी ये कैसे पैराग्राफ हो गए, एक एक करके पेस्ट करते हैं, ये सारा एक साथ ही हो गया। थोड़ा सा कंटेंट इसमें बना लेते हैं। अच्छा, इन्हीं को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो अब मेरा जो होम का पेज है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, मेरा होम पेज जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। साथ में इसके कुछ हेडिंग्स वगैरह भी लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे आके इधर ना, कि यार एक H1 है, H2 बल्कि, एक्चुअली H1 तो ऊपर हो गया ना, ये हेडिंग 2 है एक्चुअली। ठीक है, अभी ऊपर वैसे कोई हेडिंग है नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, नहीं है बल्कि दिस इज़ होम पेज आ रहा है ना, हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 2, हेडिंग 3।
तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग गया है मेरे पास, ठीक है। दो चार यहाँ पे हेडिंग्स मैंने डाल दी हैं, नीचे फिर पैराग्राफ सीधे सीधे ही डाले। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये होता है, लास्ट में ना एक बटन होता है गो टू टॉप, है ना, इस तरह करके एक बटन होता है अक्सर वेबसाइट पर। जब आप बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो गो टू टॉप के ऊपर एक गो टू टॉप करके एक बटन आ रहा होता है। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अदद सबसे पहले तो जो मेरा सबसे टॉप एलिमेंट है यानी कि बॉडी का जो एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ टॉप है, टॉप हो आप, ठीक है। ये नेविगेशन बार इस वक्त मेरा टॉप आइटम है, तो इस नेविगेशन बार को मैं दे देता हूँ भाई आपकी आईडी टॉप है। और नीचे जाके ना एक लिंक बना देता हूँ, मैं नीचे जाके एक एंकर टैग एक बना देता हूँ और उसमें मैं क्या कर देता हूँ, गो टू टॉप, और एचरेफ के अंदर मैं क्या बोलूँगा, हैश लगाऊंगा और वो आईडी लिख दूंगा जहाँ पे मैंने जाना है, और मैंने कह दिया टॉप, सही है। तो यहाँ पे जब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उठा के पेज को कहाँ फेंकेगा, यहाँ पे फेंक देगा। देखते हैं क्या रिपोर्ट है। रिफ़्रेश किया मैंने इसको यहाँ पे और गो टू टॉप का बटन दबाते ही वो टॉप पे लेकर आ गया। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट की हेडिंग्स हैं ना जो, इनके भी बटन बना सकते हैं, सही है। इसके भी बटन बना के आप इस पर भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि यार, मिसाल के तौर पर गो टू हेडिंग वन, ठीक है, इसी तरह गो टू हेडिंग टू, गो टू हेडिंग थ्री, ऐसे करके कह सकता हूँ मैं, है ना, या लास्ट हेडिंग भी कह सकता हूँ मैं। अच्छा, ये मैं HTML के किसी भी एलिमेंट पे लगा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं हेडिंग पे लगाऊँ या ज़रूरी नहीं मैं नेव बार पे लगाऊँ, ये आईडी मैं किसी भी HTML के एलिमेंट पे दे सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तो ये चार मैंने यहाँ पे बटन बना दिए। मैंने कहा यार गो टू हेडिंग वन, गो टू हेडिंग टू, गो टू हेडिंग थ्री और गो टू लास्ट हेडिंग, सही है। अच्छा, अब जैसे ही मैं गो टू हेडिंग वन पे क्लिक करूँगा तो इसको कहाँ चले जाना चाहिए, हेडिंग वन पे चले जाना चाहिए, तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ यहाँ पे आके कि H1 हो आप, सही है। आईडी में कुछ भी बात लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, सही है। मैं यहाँ पे H1 ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने भेजना होगा ना तो फिर मैं इसी पे भेजूँगा हैश और यही बात लिखूँगा मैं, ठीक है। दूसरे वाले को मैं कह देता हूँ कि यार आप क्या हो, आपकी आईडी है H2 है आपकी आईडी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी हैश करके मैं वही लिखूँगा, ठीक है। तीसरे पे मैं कह देता हूँ कि यार आपकी जो आईडी है वो क्या है, H3 है, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो लिखा है मैंने यहाँ पे भी वही लिखूँगा। और लास्ट हेडिंग जो है मेरे पास, ठीक है, लास्ट हेडिंग नहीं, एक्चुअली मैं इसको लास्ट बनाना चाह रहा हूँ इस वाले को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी दे दूँगा इसको कि भाई लास्ट हेडिंग, तो यहाँ पे मैं भेजना चाह रहा हूँ उस बटन के क्लिक पे, लास्ट हेडिंग वाले पे हैश और ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। जब मैं इसको कहता हूँ गो टू हेडिंग वन, ये क्लिक किया मैंने और क्लिक करते ही कहाँ पर आ गया मुझे, ये H1 को इसने टॉप पर ला के खड़ा कर दिया। अच्छा, मैं अगर इसको बोलता हूँ गो टू H2 तो उसको गो टू H2 पे चला गया, ये गो टू H3 बोलूँगा तो ये 3 पे चला गया, 3 पे ले आया। अच्छा, लेकिन 3 को टॉप पे नहीं ला पाया क्योंकि मेरा पेज मज़ीद स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है, मेरे पेज में नीचे मज़ीद जगह नहीं है। अच्छा, अगर इसी तरह मैं इसको कहता हूँ कि गो टू लास्ट हेडिंग, तो लास्ट हेडिंग भी ये ऊपर तो ला रहा है लेकिन ये उतना स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है मेरे पेज को, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को, वरना ये टॉप पे लाके खड़ा कर देगा। अच्छा, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट की जो नेविगेशन है पूरी की पूरी, वो पूरी इसके ऊपर चल रही होती है, सम टाइम वो पूरी की पूरी नेविगेशन इस पर चल रही होती है, क्लिक करते हैं पेज मूव कर जाता है, और सिंगल पेज की वेबसाइट होती है और उसी पे वो स्क्रॉल होकर ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो वो इस तरह से ही हो रहा होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, लिंक टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर वेबसाइट। अब एक तो ये सीन हुआ था ना जी कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे खड़े हुए थे हम, और यहाँ पे खड़े होकर हम क्या करते थे, गैलरी पे चले जाते थे। अब हमें ना सिर्फ गैलरी पे जाना है बल्कि गैलरी पे जाके एक ख़ास हेडिंग पे जाना है मुझे, ठीक है। या मिसाल के तौर पे मैं गैलरी पे खड़ा हूँ, अब यहाँ से मैंने होम पे जाना है, लेकिन होम पे मैंने जस्ट ऐसे नहीं जाना, होम पे जाके मैंने डायरेक्ट H2 पे खड़ा करना है ले जाके उसको, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई ये जैसे अब मैंने गैलरी पे ये बात कहनी है, मैंने
मैंने गैलरी पे आके बोला कि यार एंकर टैग, और मैंने कहा गो टू होम और हेडिंग टू, ये मैंने इस तरह बात कर दी। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक तो डॉट स्लैश करके मैं लगाऊंगा इंडेक्स, और उसके बाद हैश और वो आईडी। पेज तो मैंने बता दिया, उसके बाद हैश लगा के मैं वो आईडी बताऊंगा किधर जाना है, कौन सी पे जाना है। मैंने एच टू पे जाना है, मैंने कहा एच टू पे ले दो। क्या हुआ ये, सही है, जिस पेज पे जाना है वो, और साथ ही उसके चिपका के मैंने बता दिया कि किस आईडी पे जाना है। अब क्या होगा कि जब मैं गैलरी पे जाता हूँ, गैलरी पे, तो गैलरी पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो होम पे चला जाऊँ ऐसे, ठीक है, और मेरे पास एक ऑप्शन है कि यार मैं ऐसे करके चला जाऊँ गो टू हेडिंग टू। तो आप ये देखें होम पे भी आ गया और गो टू हेडिंग टू ये डायरेक्ट हो गया खुद ही, ठीक है। तो सम टाइम होता है कि मुझे कुछ लिंक्स शेयर करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट को लेकर, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने ना देखो ये URL में भी ना यहाँ पे भी ये शो हो रहा है हैश लगा के, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ गो टू हेडिंग वन, क्लिक किया मैंने, तो आप देखो ये मेरे URL में भी आ जाता है। तो अब ये URL मैं किसी को भी शेयर करूँगा ना, अगर GitHub के ऊपर होस्टिंग हुई हुई है मेरी और मैंने URL ये शेयर किया किसी को, तो वो जब उसको ओपन करेगा, ठीक है, तो हेडिंग में ये क्योंकि H1 यहाँ पे लिखा हुआ है URL में, तो जब ये पेज ओपन होगा ये डायरेक्ट H1 पे खड़ा होगा। सही है, ये इस ये ऐसे नहीं खड़ा हुआ है, डायरेक्ट H1 पे खड़ा हुआ है क्योंकि उसको URL में शामिल किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये विकिपीडिया के अंदर अक्सर ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं ये विकिपीडिया का एक आर्टिकल मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ना आप देखें ये हिस्ट्री करके जो आ रहा है, ठीक है यार, ये लिंक क्यों नहीं आ रहा है, इसके अब लिंक आ रहा होता है, लिंक नहीं आ रहा बहरहाल। अच्छा इस पर देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके कि इन्होंने आईडी लगाई हुई भी है कि नहीं लगाई हुई। अच्छा आईडी इन्होंने लगाई हुई तो है, ठीक है, हैश लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस आईडी को हाथ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये फीचर्स है ना, ये आईडी है इसकी, मैंने इसको हाथ से यहाँ से कॉपी किया, हालांकि इन्होंने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था वो लिंक कॉपी करने का, मैंने हाथ से उसको कॉपी किया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ये जो मेरा URL है इसमें मैं हैश लगा के और ये ऐसे पेस्ट कर दूँगा। अब ये URL अगर मैं किसी को भेजता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बंद किया और यहाँ पे मैंने खोला और पेस्ट किया और एंटर किया जैसे ही, तो ये फीचर्स के ऊपर जाके डायरेक्ट रुकेगा। अच्छा लेकिन कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे हाथ रखते हैं ना, तो यहाँ पे एक हैश का बटन बना हुआ आ रहा होता है, उसको दबाते हैं तो वो कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, लेकिन इसमें वो नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। वेल सॉरी, ये वाला, अरे हाँ यहाँ पे आ रहा है ये। अच्छा फीचर्स में गया ना, हाँ सही सही कहा तुमने, सही कहा तुमने, इन्होंने ये चेंज किया है, पहले इसी हेडिंग के साथ आ रहा होता था, हेडिंग के साथ एक बटन, लेकिन अब एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेसिबिलिटी इस तरह आ रहा है यहाँ। हाँ तो सही है, बिल्कुल सही है, अब इन्होंने इस तरह किया हुआ। तो मैं यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करता हूँ, फीचर्स पे क्लिक किया और आप मैं URL किसी को दूंगा तो ये उसी पे ही जाएगा, फीचर्स पे ही जाएगा। आ जाते हैं भैया हम और आगे, तो ये हमने पार्ट कवर कर लिया इसका, कि लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर पेज। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, और ये इसकी समरी आ गई। अच्छा 5 मिनट है आपके पास, ये समरी जल्दी से पढ़ लें फिर हम आगे मूव करते हैं।